फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर 6 विद यूनिट और बांस. कि हमने 6 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? यूनिट और बांस के साथ. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12. यूनिट और बांस एंड देन टेंस. यूनिट यूनिट के प्लेस पे आ जाएगा और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास? कैरी. सो वी मल्टीप्लाई 6 बाय 1. 6 बाय 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6. देन प्लस 1 इज इक्वल टू 7. सो हमने क्या लिख दिया टेंस के नीचे? 7. नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपनी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फर्स्ट नंबर के नीचे हमेशा क्या किस चीज का साइन लगाते हैं? मल्टीप्लाई. नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर और नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर. एग्जैक्ट नंबर फर्स्ट डिजिट के नीचे जो कि यूनिट और वंस की प्लेस पे आएगा उसके नीचे हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई. देन 6 नाइन जा 9 टू जा 18. 8 एंड 1 हमारे पास क्या बन गया? कैरी. 9 वन जा 9. 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. मैंने 0 लिखा नेक्स्ट नंबर हमारे पास कैरी देने के लिए मौजूद ही नहीं है. सो हम क्या करेंगे? उस नंबर के नीचे ही नंबर लिख देंगे. अब हमने इन टू नंबर्स को क्या करना है? ऐड. सो 2 प्लस नथिंग एक्स मीन्स नथिंग. 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2. नंबर के नीचे ही नंबर. आपको इसे कोई गर्ज नहीं कि मेरा 2 नंबर्स आगे जा रहा है, 3 नंबर्स जो मेरा डिजिट है वो आगे जा रहा है. नो, आपको सिर्फ नंबर के नीचे ही नंबर लिखने हैं. 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15. सो 1 कैरी 1 एंड 1. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12 को अगर हम 96 टाइम्स ऐड करें तभी हमारा सेम आंसर आएगा. और अगर हम 96 को या 12 को मल्टीप्लाई कर दें 96 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1152. आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1 राइटिंग अ प्रॉब्लम विच इज मिस्टर असलम बायस 25 बायस मिस्टर असलम Mr. Aslam buys 25 bars. Word problems is actually you can say that what is word problem? Word problem is the problem in the form of statements. When we have a problem in the form of statements, हम तो वैसे भी numbers को add करते हैं. हम लोग वैसे भी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. हम नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देयर वी हैव टू थ्री स्टेटमेंट्स व्हिच इज मिस्टर असलम बाइज 25 बार्स ऑफ चॉकलेट फॉर हिज चिल्ड्रन. सो मिस्टर असलम ये हमारे पास हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट. इफ ईच बार कॉस्ट 12 रुपीज हाउ मच मनी डज ही स्पेंड. So here is a statement which contains almost three number of statement. Is first Mr. Aslam buys Mr. Aslam ने क्या किए हैं? Buy किए हैं 25 bars of chocolate. Bars of chocolate for his children अपने बच्चों के लिए. If each bar cost अगर एक bar की price 12 rupees है how much money does he spend? तो अब बताएं उन्होंने कितने पैसे खर्च किए. हमारे लिए तो बहुत इजी होगा क्योंकि हमारे पास कितनी बार्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ बार्स. बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25. 25 bars of chocolate. अब हमारे पास 25 bars of chocolate तो आ गई. अब if each bar cost, each bar मतलब हर एक बार कोस्ट, हर एक बार की कोस्ट क्या है? 12 रुपीस. 12 हर एक बार की प्राइस क्या है? 12 रुपीस. सो हमने 12 को कितनी बार ऐड करना है? 25 टाइम्स. हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि 12 को 25 टाइम्स ऐड कर दें, तो ये हमारे पास बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा. तो इससे हम अच्छा क्या करते हैं, 12 प्लस 12 देन अगेन 12 एंड सो ऑन. हम 12 को 25 टाइम्स ऐड नहीं करेंगे, तो हम इसलिए क्या करेंगे, एज वी नो मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. यहां पर 25 टाइम्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 12. तो हम 12 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ. अब ये तो हमें हो गया कि हमें किन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्टेटमेंट्स विच इज सॉल्यूशन. Mr. Aslam buys 25 bars of chocolate. Mr. Aslam buys, खरीदी है ना उन्होंने, bars of chocolate. Each bar cost, next time हम क्या लिखेंगे, each bar cost, each bar cost 12 rupees. के हर एक बार की प्राइस क्या है, 12 rupees. हमें 12 को 25 टाइम्स ऐड करना है, तो इससे अच्छा हम उसको क्या करते हैं, 25 के साथ मल्टीप्लाई. और लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, हाउ मच मनी डज शी स्पेंड, सॉरी ही स्पेंड. तो हम लोग लिखेंगे ही स्पेंड मनी कि उसने कितनी मनी स्पेंड की है, 25 मल्टीप्लाई बाय 12. सो जब आप ड्राइंग करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, यूनिट वंस और टेन, यूनिट वंस और टेंस. टेंस के नीचे टेंस का नंबर, यूनिट और वन के नीचे यूनिट का नंबर, 5, 2, 1 and 2. सो वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स एज 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 2s are 4 plus 1, 5. नेक्स्ट टाइम 5 and 2 और आंसर इज 300. हाउ मच मनी डिड मिस्टर असलम स्पेंड, मिस्टर असलम ने कितने रुपीज स्पेंड किए हैं, 300 रुपीज. सो हमारा आंसर क्या होगा, 300 रुपीज. सो आपको प्रॉब्लम नंबर 1 अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इसमें रुपीज और पैसा दोनों होंगे. यहाँ पे तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया कि एक बार ऑफ चॉकलेट है, एक नहीं है 25 बार्स ऑफ चॉकलेट है, और हर एक की प्राइस 12 रुपीज़ है. अगर हम उसको 12 को और 25 को 12 टाइम, ये 12 को 25 टाइम ऐड भी करते हैं, तो हमारा प्रोसीजर क्या हो जाता है, लेंथी. अब इस लेंथी को कम करने के लिए हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 25 मल्टीप्लाई बाय 12. सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 300.